बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? तब ये ठीक है। उस्ताद ने कॉल की कि आ जाओ कंस्ट्रक्शन की जगह पे, तो मैं वहीं पे आ गया। मौसम भी बहुत सुहाना है और अभी आ गया हूँ कंस्ट्रक्शन की जगह पे। आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना काम हुआ है। रूम की सफाई भी हो गई है और लाइटें तो चालू हैं। सारे माल भर लग गए। यहाँ पे उस्ताद ने फ्रेम मंगवाई थी, वो अभी कलर कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें ये भी उस्ताद कह रहे कि ये वाला गोल्डन हो जाएगा और इसके अंदर हो जाएगा ब्लैक कलर। आयात है फबी अला रबान। यहाँ के जो वाशरूम थे वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ के सारे जो वाशरूम के इक्विपमेंट थे वो लग गए। दूसरा वाशरूम भी आपको दिखाता हूँ, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। दीवारों पर पेंट अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये गीले है, मौसम भी ठंडा है तो दीवारें गीले है। अभी तक सूखे नहीं है, सिर्फ उन्होंने पेंट नहीं लगाया। घर तो बस काफ़ी कंप्लीट हो गया है, सिर्फ पेंटिंग का काम बाकी है। बस वो भी सिर्फ ये सूखने की वजह से रुके, क्योंकि दीवारें सारी गीली है और ये जो है छत पे भी मार्बल लगे लेकिन इसका रगड़ा ही अभी बाकी है। ये हम करेंगे लेकिन आहिस्ता से, जब थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाए फिर हम करेंगे। ये वाला जो बाउंड्री आप देख रहे हो, इसके उधर जो टाउन है वो ग्रीन मेंशन है और इसके जो पिछले ये वाला है ये आइकन वैली है। उस्ताद ने आवाज़ दी है, फैब्रिक ग्लास भी लगाया है और इसके नीचे जो है लाइट भी है। तो ये अभी वो मजदूर को मैंने आवाज़ दी, वो लाइट लगा रहे तो आपको पता चलेगा। ये तार का सब कुछ हम करवाएंगे बंदोबस्त। हाँ सातले में दे लगवा, लाइट लगवा रहे और का। हाँ हाँ वाह यार लेट लग गया, लेकिन ये रात के टाइम में बहुत मज़ा करेगा। अभी पता नहीं ये पड़क पड़क क्यों कर, सेटिंग बराबर नहीं है तारों की वजह से। तो ये रात में सिर्फ वो शगल देगा, दिन में नहीं। बस स्पिन दी, वो स्पिन दी का ना। आ वाह वाह वाह, हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई लेकिन मौसम भी ठंडा है, मज़ा भी बहुत आ रहा है इस मौसम में। ये वाली चीज़ जिस तरह मैं लगवाई थी उसी तरह है, ये ना ख़राब हो रही है और ना बढ़ रही है। इसकी कोई दवाई हो तो हमें बता दे कि क्या दे इसको। घर में फ्रंट मार्बल लगे हैं और वो सीढ़ियों का जो मार्बल है वो अभी लग रहे हैं, आधे लगे, दो तीन चार लगे लेकिन पूरे होंगे। तो वही से फारिग हो गया, फिर नमाज पढ़ ली, गाना गा लिया, तो भी वॉक कर रहा था लेकिन भाई ने कॉल की कि तुम गाड़ी ले जाओ, इसमें टायर चेंज करो। तो अभी जा रहा हूँ इस गाड़ी में टायर चेंज करने। मसला ये है इस गाड़ी के टायर में कि हवा निकालता है क्योंकि इसमें कुछ कीले और वो कीले सिम तार इसमें असल में होती है, तो वो ट्यूब को ख़राब करती है फिर हवा निकलती है। तो टायर को चेंज करूँगा। गाड़ी में टायर चेंज हो गया और मैं सभी वहाँ से फार हो गए, जा रहा हूँ घर वापस। नमाज का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़ लेंगे उसके बाद घर देखते हैं, कहीं घूमने चलते हैं फैमिली के साथ। हल्की हल्की सी बारिश भी अभी शुरू हो गई और यार क्या सीन होता है बारिश। अभी ही बना रहा हूँ आलू के चिप्स और ये नूडल्स भी तो खाऊंगा और पराठे तो रेडी है। चाहिए बारिश का मौसम में तो इस बारिश में ये चीज़ें बहुत फिट आती है, मज़ा करती है। अभी टाइम हो रहा है 9:30। इंसीनियत है कि वो खाने के बाद वॉक करेंगे
और थोड़ा सा व्लॉग एक्सटेंड करेंगे, पहलवान के साथ गपशप लगाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से हमारा वॉच कैंसिल हो गया, तो व्लॉग नहीं बना सके। तो ये वाले व्लॉग आज ही ख़त्म कर लेंगे, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे दूसरे व्लॉग में।